इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। मैं जीत रही हूँ, मैं जीत रही हूँ लोगों की मदद, लोगों की प्यार से मैं जीत रही हूँ। लेकिन अगर मेरी जीत मुसलमानों के बिना होगी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतना मैं बता देती हूँ कि फिर दिल खट्टा हो जाता है। फिर जब मुसलमान आता है काम के लिए, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं रहने ही दो, क्या फर्क पड़ता है। आखिर नौकरी एक सौदेबाजी भी तो होती है, बात सही है कि नहीं? ये नहीं कि हम लोग सब महात्मा गांधी के छठे औलाद हैं कि हम लोग आए केवल हम देते ही जाएंगे और फिर इलेक्शन में मार खाते जाएंगे। सही है बात कि नहीं सही है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। ये जीत आपके बिना भी होगी, आपके साथ भी होगी, और ये चीज आपको सब जगह फैलानी पड़ेगी। जब मैं दोस्ती के हाथ लेकर के आई हूँ, और अगर आप पीलीभीत में पूछ लें, अगर पीलीभीत का एक भी बंदा फोन से आप पूछ करके पूछे कि मेनका गांधी कैसे थी वहां, अगर आपको लगे कि कहीं भी हमसे गुस्ताखी होगी तो हमको वोट मत देना। लेकिन अगर आपको लगे कि हम खुले हाथ और खुले दिल के साथ आए कि आपको कल मेरी जरूरत पड़ेगी, ये इलेक्शन तो मैं पार कर चुकी हूँ, अब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, अब आपको ये जरूरत के लिए नींव डालना है, तो ये है वक्त आपका। जब पोलिंग बूथ का आएगा रिजल्ट, और उस रिजल्ट में 100 वोट निकलेंगे और या 50 वोट निकलेंगे, तो उसके बाद जब आप काम के लिए आएंगे तो वही होगा मेरे साथ। राजसत्ता एक्सप्रेस पर आपको मिलती हैं देश विदेश की ताजा तरीन खबरें, वो भी बिल्कुल नए अंदाज में। YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।